हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज बघेल, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर एंड करियर कोच। चलिए आज शुरुआत करते हैं हम नई वीडियो के साथ में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको ओवरव्यू दिया था कि हम लोग सिक्स स्टैंडर्ड से स्टार्ट करेंगे, यानी कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और आगे तक जाएंगे, राइट? तो जैसा कि आज हमारा टॉपिक है बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो वो छोटी छोटी शुरुआत जहाँ से इंग्लिश की शुरुआत करते हैं और आगे तक जाएंगे। तो देखिए, हमारे पास पहला वर्ड है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट की बात करें तो इंग्लिश के अंदर जब इंग्लिश की शुरुआत करते हैं तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? अल्फ़ाबेट से करते हैं। तो आइए फर्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट की अगर मैं बात करूँ तो इसे हिंदी में हम बोलते हैं वर्णमाला, यानी वो सारे शब्द जिनकी शुरुआत होती है, एक सीरीज जिसकी शुरुआत होती है ए बी से लेके जेड तक, ये क्या कहलाएगा? हमारा अल्फ़ाबेट कहलाएगा। अगर अल्फ़ाबेट को मैं यहाँ पे टू पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, टू पार्ट्स में डिवाइड करने पर हमारे सामने आता है निकल के वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। जैसा कि हम लोगों ने बचपन से सीखा है, जाना है, और हम सभी लोगों को पता है कि अल्फाबेट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक वॉवल होता है जिसमें फाइव लेटर आते हैं जो वॉवल के होते हैं, जिसमें हम बात करेंगे तो ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवल रहेंगे, एंड बाकी बचे कुछ यानी रेस्ट ऑफ 21 वो हमारे क्या रहने वाले हैं? कॉन्सोनेंट रहने वाले हैं। तो ये तो था अल्फाबेट, जैसे कि हिंदी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास वर्ड्स होते हैं आ से लेके ग्या तक, राइट? ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है हमारा लेटर। तो व्हाट इज लेटर? तो लेटर को हम बोलेंगे वर्ण। वर्ण की अगर मैं बात करता हूं तो जैसे देखिए वर्णमाला, यानी एक पूरी सीरीज, तो सीरीज हो गई अल्फाबेट, और एक इंडिविजुअल वर्ड वो हमारा क्या कहलाएगा? लेटर कहलाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के बतौर लेता हूं, मान लीजिए ए ले लिया हमने, ई ले लिया, पी ले लिया, एल ले लिया, तो ये क्या है? हमारा एक इंडिविजुअल लेटर है, राइट? लेटर को जब हम एक साथ रखते हैं, उन्हें हम लोग प्लक करते हैं, एक साथ रखते हैं, तो हमारे पास एक नेक्स्ट वर्ड जनरेट हो जाता है जिसकी हम बात करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड वर्ड। वर्ड को हिंदी में हम शब्द बोलते हैं, और शब्द तब निकलता है जब उसका कोई मतलब होगा। अगर मैं ऐसे बोलूं, इन अलग अलग को मैं एक साथ रखता हूं और जो एक हमें कंप्लीट अर्थ देगा, तो ये हमारा क्या हो गया? एप्पल। क्या हो गया? एप्पल। ये एप्पल है, एप्पल नहीं है। साउंड का विशेष ध्यान रखें, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर साउंड का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। तो हमारे पास ये वर्ड क्या आ गया? एप्पल, राइट? तो एप्पल, इसका एक मतलब आता है, मतलब क्या हो गया हमारा? सेब। यानी वो कॉम्बिनेशन, वो ग्रुप ऑफ लेटर्स जो हमें एक मतलब वाला यानी मीनिंगफुल वर्ड देगा, वो हमारा वर्ड कहलाएगा। जैसे हमने बचपन में याद किए थे, क्या याद किए थे? वर्ड मीनिंग्स, राइट? ओके, तो हमारे पास में टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो हमने अल्फाबेट कंप्लीट किया, लेटर कंप्लीट किया, वर्ड कंप्लीट किया। अब बात आती है सिलेबल, यानी फोर्थ वन। करने से तो जानते हैं वर्ड के बारे में, जितने भी वर्ड बनते हैं कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन होते हैं किसके? लेटर के। तो अगर वो सिंपल वर्ड है, छोटा वर्ड है, तो हम लोग उसमें जाएंगे, हमारा चौथा टॉपिक सिलेबल, जो बेसिकली बना है वर्ड्स के लिए, राइट? तो सिलेबल में हमारे पास होता है वन सिलेबल। वन सिलेबल वर्ड की बात करते हैं तो वन सिलेबल वर्ड के अंदर वो सारे वर्ड आ जाएंगे जो इंडिविजुअल हैं, अकेले हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सिट, बात करते हैं रन, बात करते हैं गो, तो हमारे क्या है? वन सिलेबल वर्ड है, राइट? इसी तरह से अगला आता है मोर देन वन सिलेबल। मोर देन वन सिलेबल यानी कि एक से ज्यादा सिलेबल वाले वर्ड हमारे इस कैटेगरी में आने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लीजिए मुझे रन में आई एन जी लगाना है, राइट? तो नेक्स्ट वर्ड क्या बन जाएगा हमारा? रनिंग। तो रनिंग क्या हो गया? टू सिलेबल वर्ड हो गया। इन द सेम वे हम बात करते हैं ब्यूटी प्लस फुल, तो यहाँ पे हमारा ब्यूटीफुल दो अलग वर्ड जोड़ के मिले तो हमारा क्या हो गया? मोर देन वन सिलेबल हो गया। इसी तरह से यूजफुल, तो देखा कि यहाँ पे वन सिलेबल वर्ड था जो सिंगल वर्ड से मिलके बना है, टू सिलेबल हो गया दो वर्ड से मिलके बना है, इसका हमें इंग्लिश लैंग्वेज में आगे यूज करना होता है, और बेसिकली सिलेबल किस पे बेस्ड है? वर्ड पे बेस्ड है। तो यहाँ पे हमने हमारा फोर्थ पॉइंट भी कंप्लीट किया, दैट इज कॉल्ड सिलेबल, राइट? आगे जानते हैं, अगला आता है हमारे पास
फिफ्थ टर्म जिसका नाम है हमारा प्रीफिक्स। जैसे कि नाम से पता चला है प्री और फिक्स, यानी प्री, प्री मतलब पहले और फिक्स, किसी भी वर्ड के पहले अगर हम एक वर्ड फिक्स करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स, राइट। जैसे मैं एग्जांपल के बतौर लेता हूं, हमारे पास में एक वर्ड है श्योर, क्या है श्योर, श्योर के पहले अगर मैं इन डालता हूं तो ये जो इन है हमारा क्या हो गया प्रीफिक्स। इन द सेम वे श्योर के पहले मैं एंड डाल देता हूं तो हमारा प्रीफिक्स, अगर श्योर से पहले मैं एज डाल देता हूं प्रीफिक्स, राइट। तो इनसे जो वर्ड बनता है वो हो जाएगा इंश्योर, एंश्योर और एश्योर। तो देखने की बात ये है स्टूडेंट्स, यहां पे एन और एज ये हमारा क्या कहलाएगा प्रीफिक्स कहलाएगा। अगर मैं बात करता हूं इंश्योर, तो इंश्योर हम लोग जानते हैं आई एन वाला, ये इंश्योरेंस यानी बीमा के लिए होता है, इसका अर्थ होता है बीमा कराना। एंश्योर यानी कि किसी भी चीज के लिए सुनिश्चित कर देना, राइट, एंश्योर कर देना, मैंने तुम्हें एंश्योर कर दिया कि मैं आपके पास जरूर आऊंगा, सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है एश्योर, एश्योर मतलब आश्वासन दे देना या विश्वास दिला देना, विश्वास दिला, विश्वास देना, ये क्या हो जाएगा एश्योर हो जाएगा। तो हमने यहां पे देखा वर्ड एक ही था, सिर्फ इसका प्रीफिक्स बदलने से इसका अर्थ बदल रहा है। इसी तरह से हमारे पास में और भी वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे इमिग्रेंट और एमिग्रेंट। तो हमेशा स्टूडेंट्स को इन वर्ड्स में कंफ्यूजन होता है कि इन्हें हम याद कैसे रखें। इमिग्रेंट एंड एमिग्रेंट, इमिग्रेंट का मतलब होता है जब एक व्यक्ति दूसरे देश से आता है और हमारे देश में आके बस जाता है, यानी कि इन आया, इनका मतलब क्या है अंदर आना, राइट। तो इन आया, तो देखा जाए तो वैसे तो ये हमारे प्रीफिक्स हो गए, बट अर्थ अगर मैं बात करूं तो ये बाहर के देश से आया और हमारे देश में आके बस गया, बाहर से आकर हमारे देश में बस जाना, राइट। और ई से हम याद रख सकते हैं एग्जिट से, एग्जिट मतलब बाहर जाना। तो एक व्यक्ति जब हमारे देश से बाहर गया तो बाहर जाकर बस जाना, बाहर जाकर रहना, राइट। तो ओवरऑल अगर हमने देखा तो ये प्रीफिक्स से हमें समझ में आया ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स किस तरह से हम क्लियर कर सकते हैं साथ में ये, राइट। तो अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा सिक्स, इसे मैं रफ कर देता हूं, अगला टर्मिनोलॉजी आता है हमारे पास में सिक्स नंबर, दैट इज कॉल्ड सफिक्स। सफिक्स की बात करो तो किसी भी चीज के यानी किसी भी वर्ड के बाद में जुड़ने वाला एक वर्ड हमारा क्या कहलाएगा सफिक्स। एग्जांपल बतौर देखते हैं, जैसे फ्रेंड, तो फ्रेंड के साथ अगर मैंने शिप जोड़ दिया तो नया वर्ड हमारा क्या होगा फ्रेंडशिप। इसी तरह से बात करता हूं ब्यूटी प्लस फुल जोड़ दिया, राइट, या तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं जो इस वर्ड के लास्ट में जुड़ रहे हैं सारे के सारे वर्ड्स क्या कहलाएंगे सफिक्स कहलाएंगे, राइट। तो आपको क्लियर हो गया कि किसी भी वर्ड से अगर कोई पहले आता है तो वो क्या रहेगा प्रीफिक्स, और वर्ड के बाद में आएगा तो वो क्या रहेगा हमारा सफिक्स, राइट। ओके, अब टर्मिनोलॉजी की तरफ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिक चीजों में जो सेवन पॉइंट है स्लैंग्स, स्लैंग की अगर बात करें तो इसका मतलब था अभद्र। अब ये अभद्र होता क्या है, अभद्र होता है इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होने वाले वो वर्ड्स जिनको हम गलत तरीके से यूज करते हैं और हम वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जब हम अपनी बोलचाल में शामिल करते हैं तो एज इट इज करते हैं, यानी कि वो होते कुछ और है हम उनका गलत यूज करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है स्लैंग, राइट। तो देखते हैं ऐसे कौन से वर्ड हैं इंग्लिश लैंग्वेज में हम क्या सुनते हैं, जैसे
एक आता है जिसका नाम है रिटर्न बैक, राइट। हम लोग बोलते हैं कि कल रात को मैं लेट हो गया घर वापस आने में, तो कल रात को मैं घर वापस आया लेकिन लेट आया, तो रिटर्न बैक एट लेट एट नाइट। तो रिटर्न बैक एट लेट एट नाइट का मतलब हो गया कि वापस आया। अब जब रिटर्न का मतलब वापस आना है तो मुझे बताइए बैक की आवश्यकता है क्या? नहीं, बट फिर भी हम उसका यूज करते हैं। दैट मीन्स ये क्या है? हमारा स्लैंग है। इन द सेम मैनर हम बात करते हैं कजन और ब्रदर बोल देते हैं, या फिर सिस्टर बोल देते हैं। तो सही मायने में कजन ब्रदर या कजन सिस्टर जैसा कोई वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है। उस वर्ड क्या है? कजन। इनकी जरूरत नहीं होती बट हम फिर भी बोलते हैं। इन द सेम वे हमने एक वर्ड जनरली सुना है या पढ़ा है, प्राउड। प्राउड का मतलब होता है घमंड। तो हम बोलते हैं कि भैया उसे बड़ा घमंड है, यस। और जहां बोल दिया कि वह बड़ा घमंडी है, तो वर्ड हिंदी के अकॉर्डिंग घमंड से क्या हो गया? घमंडी। इसी तरह से लैंग्वेज को फ्लो में करते हुए हम लोग देसी लोग इंडियन लोग क्या कर लेते हैं? प्राउड का प्राउडी कर देते हैं। तो देखा जाए तो प्राउडी जैसा कोई वर्ड नहीं है, घमंड यानी प्राउड का मतलब ही घमंड है, प्राउड का मतलब ही घमंडी है। तो सही मायने में ये भी हमारे लिए क्या हो गया? अनयूजुअल हो गया, स्लैंग हो गया। इन द सेम मैनर हम बहुत सारे वर्ड्स का गलत यूज करते हैं, और एक वर्ड तो इतना कॉमन है हम बोलते हैं साहब गलती से मिस्टेक हो गई। अब बताइए गलती से भी मिस्टेक होती है क्या? तो मिस्टेक का मतलब ही गलती है, तो फिर गलती क्या है? और इस पे तो बॉलीवुड में एक गाना भी बन चुका है, राइट। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम उन वर्ड्स का गलत यूज करते हैं, बट वो हमारा स्लैंग कहलाता है। और इसमें एक ऑफिशियल वर्ड की मैं बात करता हूं, इज है, इसका मतलब है कोप अप विद। इसका यूज ऑफिशियल तरीके से किया जाता है। इसका यूज कई सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में भी आया है, चाहे वो SSC का हो, चाहे वो बैंक का हो, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की हम बात करें। इसका यूज ऑफिशियर्स ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स में भी यूज करते हैं। कोप अप विद इसका मतलब होता है जब कोई व्यक्ति पीछे रह जाता है तो वो उन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए, उनके साथ तालमेल बिठाने के लिए, तालमेल में आने के लिए हम कोप अप विद का यूज़ करते हैं। नहीं, सिर्फ किसका यूज़ करेंगे? विद का। तो कोप अप यहाँ पे गलत है। 90% लोग कोप अप विद का यूज़ करते हैं, बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज में ये स्लैंग्स की कोई जगह नहीं है, इसे हमें ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि जनरली लोग बोल देते हैं लेडी का प्लूरल लेडीज़, फिर भी बोलते हैं भाई लेडीज़ों को बुला लो। तो लेडीज़ों क्या है? ये गलती तो है। इसी तरह से टीचर को बुला लो, सरों को बुला लो, मैडमों को बुला लो। तो ना जाने कितना सारा गलत यूज हम करते हैं। तो चलिए आगे की क्लास में हम इसे कवर करेंगे, व्हाट इज स्लैंग्स, और इससे रिलेटेड बहुत सारे शब्दों का सही यूज सीखेंगे। एंड नेक्स्ट अगला आता है हमारे पास प्रो, मैं इसे ब्रेक करके लिखा प्रोनंसिएशन। तो ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी कॉमन गलती करते हैं, और वो गलती अनअवॉइडेबल है, जिसे हम नकार नहीं सकते। वो गलती है हमारी साउंड की, उच्चारण की। साउंड का ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम किसी देश की भाषा को यूज कर रहे हैं तो उसका सही उच्चारण हमारे लिए उतना ही जरूरी है, राइट। तो उस कंडीशन में हमें प्रोनाउंसिएशन का सही यूज करना चाहिए, लेकिन लोग फिर भी बोलते प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन जैसा कोई वर्ड नहीं है, प्रोनाउंसिएशन होता है सही वर्ड, जिसका मतलब हिंदी में होता है उच्चारण, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि जब हम किसी को साउंड देना है, किसी वर्ड को हमें साउंड देना है, राइट, तो हम क्या क्या गलतियां करते हैं। तो चलिए एग्जांपल के बतौर मैं ले लेता हूं। मेरे पास एक वर्ड है, राइट। तो सी वर्ड को कुछ लोग का पढ़ देते हैं, कुछ लोग शा पढ़ देते हैं, और कुछ लोग शा पढ़ देते हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि साउंड जब हमें देना है, वर्ड्स को हमें पढ़ना है, तो मैं इसे कब का पढ़ूं, कब सा पढ़ूं, और कब शा पढ़ूं, राइट। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं। सी के बाद में ए आएगा, ओ आएगा, यू आएगा, के आएगा, आर आएगा, एल आएगा। तो इसका साउंड क्या आने वाला है? का, राइट। अगर सी के बाद में हम लोग ई का यूज करते हैं, आई का यूज करते हैं, वाई का यूज करते हैं, तो साउंड आएगा सा। अगर सी के बाद में आई ए का यूज करते हैं, आई ई का यूज करते हैं, तो साउंड आएगा शा, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण के लिए मैं यहां पे कुछ एग्जाम्पल लेता हूं। हमने बचपन से पढ़ा है टिकेट, इसी तरह से COLOUR कलर, इसी तरह से CU टिकट, इसी तरह से लक, इसी तरह से क्रूअल, इसी तरह से क्लर्क। तो हम देखते हैं यहां पे
कि अगर सी के बाद में ए आ रहा है, सी के बाद में ओ आ रहा है, सी के बाद में यू आ रहा है, सी के बाद में के आ रहा है, सी के बाद में आर आ रहा है और सी के बाद में एल आ रहा है, तो इन सबका साउंड क्या जाने वाला है? का, राइट? तो हम साउंड की गलती नहीं करेंगे। चलिए अगली सीरीज पे आते हैं। तो हम देख पाते हैं यहाँ पे कि सी के बाद में ई आता है जैसे सेंट, सी के बाद में आई आता है जैसे सिटी, सी के बाद में वाई आता है जैसे साइकिल। तो हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पे ई आने पर, आई आने पर, वाई आने पर साउंड जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? शा, राइट? इसी तरह से अगर मैं बात करूं सोशल, बात करूं सोसाइटी, राइट? तो हम देखते हैं कि यहां पे सी के बाद में क्या आ रहा है, सी के बाद में क्या आ रहा है, तो हमारा साउंड क्या आने वाला है? शा, राइट? तो इस तरह की गलतियां हम लोग जनरली पढ़ने में करते हैं, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। इसी तरह से बहुत सारे लेटर हैं जैसे कि जी, जी को कई बार हम जा का यूज करते हैं, कई बार गा का यूज करते हैं, वो क्यों होगा, कब होगा, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, राइट? तो आपको ध्यान रखना है इस बेसिक टर्मोलॉजी पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट? जैसे एग्जाम्पल के बतौर लेते हैं के, राइट? तो के कई बार साइलेंट हो जाता है। अब साइलेंट किन कंडीशंस में होता है करना पड़ेगा कि के के बाद में अगर एन का यूज करते हैं तो के साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ वर्ड हैं जैसे नो, जैसे नॉक, जैसे नाइट, राइट? तो हमने देखा कि यहां पे एन आ रहा है, एन से पहले क्या है? के। एन से पहले क्या है? के। एन से पहले क्या है? के। तो ये यहां पे इन तीनों ही वर्ड्स में के है वो क्या है? साइलेंट है, राइट? इसी तरह से हमारे पास और भी वर्ड हैं, राइट? जिन्हें हम सीख सकते हैं। यहाँ के की अगर हमने बात की, अब हम बात कर लेते हैं कई बार पी भी साइलेंट होता है। अब पी साइलेंट कब होता है? पी साइलेंट के लिए कंडीशन है पी के बाद में एस या एन आएगा तो हमारा पी क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। एग्जांपल बताओ तो हम समझते हैं। जैसे एक बहुत पुराना स्पेलिंग है साइकोलॉजी, हम लोग सभी जानते हैं साइकोलॉजी। इसी तरह से एक और स्पेल आता है दैट इज कॉल्ड साम। इसी तरह से एक स्पेलिंग आता है दैट इज कॉल्ड निमोनिया। निमोनिया की बात करें तो वही निमोनिया जो बीमारी वाला होता है। इसी तरह से एक और बात करें तो न्यूमैटिक, जिसे वायुदाब मापी बोला जाता है, वायुदाब मापने का यंत्र बोला जाता है, ठीक है? तो अब देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने देखा कि एस, एस से पहले क्या आया? पी। तो यहाँ पी साइलेंट है। एस, एस से पहले क्या आया? पी। इसका जो साउंड आएगा वो क्या आएगा? शाम। क्या आएगा? शाम। शाम का मतलब होता है भजन करना, भजन, राइट? इसी तरह से हम बात करते हैं एन, एन से पहले क्या आ रहा है हमारे पास? यानी कि क्या है यहाँ पे? पी साइलेंट, निमोनिया, न्यूमेटिक, पी साइलेंट। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, है ना, जो हमारे साइलेंट रहते हैं। कई बार एल साइलेंट रहता है, कई बार टी साइलेंट रहता है, तो वो हम नेक्स्ट कभी वीडियो में कवर करेंगे। चलिए तो ये बेसिक टर्मोलॉजी के अंदर आठवां पॉइंट भी क्लियर होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिस रेड पेन से लिखता हूं दैट इज कॉल्ड यस। तो बेसिक टर्मोलॉजी में हमने देखा कि यहां पे आठ पॉइंट को हमने कवर किया। एंड अब बात करते हैं इंग्लिश की। ये तो बहुत बेसिक बातें होंगी। तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि अगर किसी व्यक्ति को वाकई में इंग्लिश में महारत हासिल करनी है तो उसे तीन चीजों पर काम करना पड़ेगा। सबसे पहला आता है ग्रामर, सेकेंड आता है वोकैबुलरी, एंड थर्ड आता है रीडिंग स्किल। जिस व्यक्ति के तीनों ही चीज़ें अच्छी हैं तो डेफिनेटली उसकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है और वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को इजीली क्वालिफाई कर सकता है। एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अलावा वो अपनी लाइफ में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है, राइट? तो हम बात करते हैं ग्रामर। तो ग्रामर का मतलब क्या है? ग्रामर का मतलब है वो व्याकरण जो भाषा में किसी तरह की गलती को ना होने दे, यानी कि भाषा को एरर फ्री करे, यानी भाषा में से एरर यानी वो त्रुटियों को निकाल के बाहर कर दें। क्योंकि ऐसा बोला जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में कि आप कुछ भी बोल दीजिए चलेगा, लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, राइट? उसको सिखाने के लिए हम क्या सीखते हैं? ग्रामर, राइट? तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ग्रामर को एंड वो शॉर्ट ट्रिक तरीकों को जिससे हम ग्रामर को बड़ी इजीली, बहुत आसानी से हम लोग सीख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड बाकी आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए एंड नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए। बहुत ही जल्द मैं आपके सामने ग्रामर वाला एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ज़बरदस्त तरीके से वीडियो लाने वाला हूँ। सो थैंक यू, एंजॉय कीजिए एंड बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच।